Hey, assalamu alaikum to all of you. Hope you all are good. So as I have put poll, just kind of like I think Eidgram look karun ya birthday karun, I got more votes in the Eidgram look. So guys, here we go. But सबसे पहले मैं अपने हेयर अपने बालों को हेयर बैंड पे लगा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बाल मुँह पे आते हैं, इरीटेशन होती है मुझे. एंड सबसे पहले मैं लेंस लगा रही हूँ जो कि मुझे द लेंस शॉप से मिले थे. सेकेंडली लेंस जो मैं लगा रही हूँ उनके स्पैचुला से लगा रही हूँ कि मुझे हाथ से लगाने में बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है क्योंकि हाथ पे कुछ भी लगा हुआ हो तो वो जलन मचाती है. देखिए मेरी आँख बहुत रेड हो गई थी. सो व्हाट आई एम गोइंग, मैं अपना फेस धो लूँगी और जो है फेस धोने से होता है कि आँखों में कोई भी डस्ट वगैरह होती है तो वो निकल जाती है और लेंस सेट हो जाता है. सेकेंडली मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे क्यूब. क्यूब से ये होगा कि मुझे कोई भी प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे, मेरा जो फेस होगा, जो स्किन होगी वो टाइट हो जाएगी और अच्छा सा फाउंडेशन लग जाएगा. हेयर आई एम यूजिंग फैमिलस का आई सीरम और जो है ये मेरे डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है कि मैं अगर फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो पैची नहीं लगता. फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छा लुक देता है. देन आई एम यूजिंग इनका ग्लो सीरम, फैमिलस का ग्लो सीरम और ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे फेस पर बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये. आई वॉन्ट टू शो यू कि ये कैसा इफेक्ट देता है. ये ऐसा इफेक्ट देता है कि वाकई नेचुरल ग्लो लगता है फेस के ऊपर. नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटी बाय एम एन का आईब्रो जेल. इनका आईब्रो जेल बहुत अच्छा है, नेचुरल है बिल्कुल और मैं वैसे ही बहुत कम लगाती हूँ आईब्रो जेल ताकि फेक लुक ना दे. और डोंट फॉरगेट टू कॉम योर आईब्रो प्लीज. नाउ आई एम गोइंग टू पुट वाइट बेस अंडर माई आईब्रो, इससे जो है बहुत क्लीन लुक देगा. और मैं अक्सर वाइट बेस ही यूज़ करती हूँ आईब्रो के नीचे. दिस इज़ द कंसीलर. इसका आप पिगमेंटेशन देख सकते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है. आगे आपको नज़र आएगी कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे फेवरेट इनका प्रोडक्ट यही रहा कि इनका कंसीलर बहुत अच्छा है. नाउ आई एम गोइंग टू कंसील माई डार्क सर्कल्स, माई डार्क स्पॉट्स, एवरीथिंग, क्योंकि इनका कंसीलर वाकई बहुत अच्छा है. और ये मैं अपने छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी. देखें बहुत ज़्यादा इसके पिगमेंटेशन है कि मैं अगर फाउंडेशन ना भी लगाऊँ तो चलता इसी को ब्लेंड कर लेती अपने फेस पे. बट हेयर आई एम गोइंग टू पुट फाउंडेशन ऑन माय फेस टू. ये फाउंडेशन ब्यूटी बाय एमन का है और ये फाउंडेशन मेरे फेस से थोड़ा सा डार्क है तो मैंने कम ही लगाया है. डोंट फॉरगेट योर नेक प्लीज़. लूज पाउडर जो है मैंने लगाया है मिस रोज का. एंड आई एम यूजिंग ब्लश किट ऑफ मिस रोज़ क्योंकि जो है मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट मिस रोज़ है. इसका जो ब्राउन शेड है अपनी आइज़ पे लगा लूँगी ताकि जो है एक अच्छी सी क्रिज बन जाए. देन मैंने वाइट और गोल्डन का शेड लगाया है. ये शेड जो है ये ब्यूटी हुदा ब्यूटी का है. और इसके बाद जो है मैं अपने आइज़ के कॉर्नर पर ब्लैक शेड लगाऊँगी ग्लैमरस की किट से क्योंकि ब्लैक शेड से बहुत डोप लुक देता है. ये होगा कि मेरी आँखें ज़्यादा फटी फटी सी नहीं लगेंगी, बहुत ही सिमटा हुआ शेड लगेगा. और देन आई एम गोइंग टू पुट आईलाइनर ऑन. आईलाइनर में हमेशा की आईलाइनर लगाती हूँ, जेल या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स का नहीं लगाती क्योंकि ये वाला आईलाइनर बहुत अच्छा ब्लैक कलर का लुक देता है. सी देन आई एम गोइंग टू विंग माई आईज एंड यू कैन सी कि विंग बनाने में बहुत मसला होता है बट आई ट्राइड माई बेस्ट और मैं विंग बना लेती हूँ बड़ी मुश्किलों से, लेकिन बनाती हूँ क्योंकि विंग में बहुत मुझे डर लगता है कि फैल वैल ना जाए. तो आपको मेरी शक्ल से पता चल गई होगी ये बात. बट हेयर आई एम गोइंग टू शो कि बोथ आईज़ आर नाउ डन. एंड मुझे क्लीन लुक देना था तो मैंने कंसीलर लगाया है, कंसीलर से पूरा क्लीन किया है उसे. और आप भी करेंगे ताकि एक क्लीन लुक दे क्योंकि आईब्रो जो आपका आईलाइनर फटा फटाने लगे. नाउ आई एम गोइंग टू पुट आईलैशेस ऑन और आईलैशेस मेरे पास इस वक्त जो है वो मिस रोज़ की ही हैं. आईलैशेस ये वाली ना ज़्यादा ग्लैम लुक है ना ज़्यादा सॉफ्ट लुक है, नॉर्मल लुक है इसका क्योंकि दोपहर का मेकअप है. सो मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा ग्लैमरस लुक ना हो. नाउ आई एम पुटिंग लाइट ब्राउन शेड इन माई अंडर आई क्योंकि जो है क्या नाम है ये इंपॉर्टेंट है कि आंखें आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी लगती हैं इससे. मैंने कंटूर पैलेट उठाया है मिस रोज़ का और मैं इसी से अपनी नोज़ एंड चिक्स कंटूर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है कंटूरिंग की और हर किसी को ही होती है. सो आई एम गोइंग टू कंटूर माई चिक्स. नाउ आई एम ब्राउजिंग फ्रॉम द पैलेट ऑफ मिस रोज़ क्योंकि क्या नाम है ब्राउजर के बगैर मेकअप पूरा अधूरा होता है आपका. तो हेयर आई गो एंड आफ्टर दिस ब्राउजर को क्लीन करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई कंसीलर. मैं कंसीलर काफ़ी जगह इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि बहुत क्लीन लुक दे, बिल्कुल भी फेक लुक और बिल्कुल ही फटा फटा लुक ना दे. हेयर आई एम गोइंग माई ब्लशन ऑन और जो है ब्लशन भी मिस रोज़ का ही है, मिस रोज़ की पैलेट से ही है. ब्लशन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट. Now this is glitter highlighter of Huda Beauty because जो है Huda Beauty is one of the best product जिनका highlighter बहुत अच्छा होता है. and under eyebrow ज़रूर लगाया करें क्योंकि जो है इससे ये होता है कि eyebrow का look अच्छा होता है ऊपर से eyes का look भी बहुत wild सा आता है.
जो हाइलाइटर मैंने अपनी चिक्स पे लगाया था वही हाइलाइटर मैं अपनी आईज के कॉर्नर्स पर भी लगा रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू यूज लिप पेंसिल ऑफ हुदा एंड दिस इज इन द शेड ऑफ लाइट ब्राउन क्योंकि मुझे ब्राउन लिपस्टिक लगानी थी. दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम मुसर्रत मिसबा एंड ये बहुत ग्लॉसी है तो मुझे इसको थोड़ा मैट करना होगा. तो सो फॉर डूइंग मैट मैं अपने टिश्यू पेपर को अपने लिप्स के ऊपर रखूँगी और प्रेस कर दूँगी एंड यू कैन सी कि ये मैट लुक दे रहा है. एंड नाउ हियर आई एम डन विद द मेकअप बट मुझे ड्रेस चेंज करना है. तो ड्रेस लाइक आई एम गोइंग टू सरप्राइज यू एंड दिस ड्रेस इज फ्रॉम RR. लाइक दिस इज सो 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 ब्यूटीफुल ड्रेस बट समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज ज्वेलरी एंड ज्वेलरी इज फ्रॉम सनफ्स. यू कैन सी द मटेरियल यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस ज्वेलरी एंड नाउ हियर आई एम गोइंग द शशके.